हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और जो आपके लिए मैं वीडियो आज लाया हूँ तो दोस्तों, वो है DSLR वर्सेस जो स्मार्टफोन में कैमरा होते हैं उसके बीच में। तो दोस्तों, जो DSLR होता है वो बेसिकली मतलब कि कैमरा फोटोज़ और वीडियोस के लिए स्पेशली बनाया जाता है। और दोस्तों, जो मतलब स्मार्टफोन में कैमराज होते हैं तो दोस्तों उन्हें मतलब कि स्मार्टफोन में एक एसेसरी के रूप में यूज़ किया जाता है, ताकि दोस्तों जो स्मार्टफोन मतलब कि काफ़ी अच्छे से बिक सके। और दोस्तों जो कैमरा मतलब कि उसमें लगा होता है दोस्तों, उसका किसी भी टाइप में मतलब कि DSLR से कंपटीशन होना मुश्किल है। चाहे वो दोस्तों 48 मेगापिक्सल हो या फिर कितना भी मतलब कि बड़ा मेगापिक्सल कैमरा क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों जो मतलब कि DSLR में कैमरा होता है दोस्तों, वो स्पेशली मतलब कि मैनुफैक्चर ही किया जाता है दोस्तों, ताकि जो DSLR के कैमराज अच्छे मतलब कि परफॉर्मेंस देती है दोस्तों आपको। और दोस्तों जो आपको मतलब कि एक्सपीरियंस उससे मिलेगा दोस्तों, वो भी काफ़ी अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों जो DSLR कैमरा होता है वो मतलब कि अपने आप में एक यूनिक डिवाइस के रूप में काम करता है, ना कि दोस्तों किसी मतलब कि एसेसरी के रूप में काम करता है। लेकिन दोस्तों जो मतलब कि स्मार्टफोन में कैमरास लगे होते हैं दोस्तों, वो मतलब कि जो उनकी शटर्स होते हैं और जो उनके पिक्सल्स होते हैं दोस्तों, वो भले ही मतलब कि अच्छे हो, लेकिन दोस्तों DSLR कंपटीशन देने मतलब कि वो किस मतलब कि लेवल में एक दूसरे के पास मतलब कि कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाए। दोस्तों मार्केट में आपको कई स्मार्टफोन्स ऐसे मिलेंगे मतलब कि जो बेसिकली स्मार्टफोन एक्सपर्ट मतलब कि सेल्फी एक्सपर्ट और जो मतलब कि स्पेशल सेल्फी के लिए या फिर कैमरा के लिए बनाए गए हो, लेकिन दोस्तों वो भी मतलब कि DSLR के जितने पावरफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो DSLR में जो लेंसेज लगे होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, और जो स्मार्टफोन में लेंसेज लगते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। और दोस्तों स्पेशली जो मतलब कि स्मार्टफोन्स में जो सबसे अच्छे जो लेंसेज लगते हैं कैमरा के, तो दोस्तों वो सोनी के ही होते हैं। लेकिन दोस्तों जो सोनी के मतलब कि DSLR होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे मतलब कि होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो जो जो सोनी के स्मार्टफोन होते हैं कैमरा में, तो दोस्तों वो काफ़ी अलग मतलब की चीज़ हो जाती है। दोस्तों जो सोनी जैसी कंपनीज है उनका मतलब कि बेसिकली मार्केट में जो शेयर्स होता है वो कैमरा से ही आता है, और दोस्तों उसके जो स्मार्टफोन्स है वो मतलब कि इतने पावरफुल मतलब कि नहीं हो पाते, क्योंकि दोस्तों मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है। लेकिन दोस्तों जो कैमरा के मतलब कि डिपार्टमेंट है उनका मतलब कि जो भी काम है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और दोस्तों उनकी तरह कैमरा लगभग हर एक काफ़ी मतलब कि चैलेंजिंग कैमरा के रूप में वो देखने को मिलता है। और दोस्तों आपने आसपास की जो भी कैमराज होते हैं उससे वो अच्छे से मतलब कि डिफीट करने का पावर रखता है। और दोस्तों जो इस टाइप के स्मार्टफोन्स होंगे जिनसे मतलब कि कैमरा अच्छे हो, तो दोस्तों वो भी उसे अच्छे से मतलब कि हराने में उतने अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लो कि किसी स्मार्टफोन में अच्छा कैमरा दे दे, तो दोस्तों जो DSLR कैमराज है तो दोस्तों उसमें काफ़ी चैलेंज हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों DSLR मतलब कि अलग से एक डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है और दोस्तों स्मार्टफोन अलग से काम करता है। दोस्तों अगर आप मतलब कि DSLR के स्पेसिफिकेशन अगर फ़ोन्स में दे तो दोस्तों फ़ोन ही बिकेंगे, लेकिन दोस्तों जो DSLR का जो मार्केट है उससे मतलब कि काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो शटर स्पीड है वो भी काफ़ी अलग हो जाती है हर एक स्मार्टफोन्स और DSLR के बीच में, काफ़ी अलग से शटर स्पीड, लेंस साइज़ एक्सेट्रा, काफ़ी अलग चीज़ देखने को मिलती है। दोस्तों जो स्मार्टफोन की जो मतलब कि कैमराज है दोस्तों, भले ही वो मतलब कि डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने लेवल में मतलब कि काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, पहले जो 2 मेगापिक्सल के कैमराज होते थे, 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, सॉरी 3 मेगापिक्सल नहीं, 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के कैमराज होते थे दोस्तों, वो मतलब कि होते थे। लेकिन दोस्तों आजकल की डेट में जो शाओमी ने मतलब कि अभी जो उसकी रियलमी जो एसोसिएट कर रहा है शाओमी, तो दोस्तों उसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा, और दोस्तों इससे पहले नोकिया ने भी जो मतलब कि 41 मेगापिक्सल कैमरा को दिया था, और दोस्तों हुआवे ने भी मतलब कि अच्छा कैमरा दिया था अपने स्मार्टफोन में। तो दोस्तों लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट DSLR में भी होती रही है, और दोस्तों जो DSLR में डेवलपमेंट होती रही वो मतलब कि काफ़ी बड़े लेवल पे होती रही, क्योंकि दोस्तों जो DSLR होता है वो स्पेशली मैंने कहा आपको कि कैमरा के लिए मतलब कि वीडियोस के लिए बनाया जाता है, और दोस्तों स्मार्टफोन अपने एप्लीकेशन चलाने के लिए बनाया जाता है, और जो परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है, कॉलिंग्स वगैरह एक्सेट्रास के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो दोस्तों इसलिए DSLR बढ़िया है स्मार्टफोन से। तो दोस्तों अगर आपको मतलब कि कैमरा अच्छा लगे दोस्तों, आपको DSLR ही लेना चाहिए, ना कि कोई मतलब कि फ़ोन। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक में, आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो भी दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।